तो आज फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ और पूरा ये दिन मेरा खुशी से बीतने वाला है। और ऐसी क्या वजह है मेरी खुशी की, इतनी जल्दी क्या है, बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। तो दोस्तों आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आज मॉर्निंग से ही मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा मेकअप शेकअप कर लिया जाए। ऐसे तो रेगुलर ठीक ठाक बस रहता है, बट आज मैंने सोचा क्यों ना आज बहुत अच्छे से रेडी हुआ जाए। ये देखिए मैंने न्यू ईयरिंग्स पहने हैं और अच्छे से, अपने हिसाब से तो मैं अच्छे से ही रेडी हुई हूँ। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो गाइस, तो आज सुमित का भी वीक ऑफ है, सुमित का भी ऑफिस आज नहीं रहेगा। आज सुमित भी मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, ऐसे तो रेगुलर सुमित को उठने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, और आज सुमित भी हमारे साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। वरना तो सुमित का ऑफिस ही चलता रहता है, दिन में भी वो ऑफिस का ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सो गाइस, तो मैंने सोचा है अभी तो सुमित नहाकर आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं सुमित के पास जाऊंगी और सुमित से पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, देखती हूँ सुमित का क्या रिप्लाई आता है। क्योंकि सुमित मुझे रोज़ कहते रहते हैं कि ठीक से रहा करो, क्या पागलों की तरह बनी रहती हो, पागल बनी रहती हो, अच्छे से नहीं रहती हो, मेकअप नहीं करती, तैयार होके नहीं रहती। तो अभी आज मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ और अभी जाके सुमित से पूछूंगी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, देखती हूँ कि सुमित का रिएक्शन कैसा आता है। सो गाइस, तो आज फिलहाल मुझे घर के सामान की लिस्ट भी बनानी है, तो अभी मम्मी भी फ्री हो गई हैं तो मम्मी के साथ मैं बैठूंगी। घर का जो सामान लाना है, ग्रोसरी का आइटम लाना है, मुझे उसकी भी लिस्ट बनानी है। और सोमवार को वट सावित्री पूजा है तो उसका भी मुझे सामान लाना है। तो उसका सामान तो हमारे यहाँ देखते हैं कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, वरना मैं मार्केट जाऊँगी लेने के लिए। तो अभी मैं मम्मी के पास बैठ कर पूरी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास, लेट्स गो। मम्मी लिस्ट बनाई है बैठ के सामान की, घर वाले सामान की भी लिस्ट लिख लेते हैं क्या क्या लाना है, और वो उसके लिए क्या चाहिए पूजा के लिए वो भी लिख लेते हैं। गाइस ये देखिए सुमित भी आज नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश और रेडी है, और आज ये पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड करने वाले हैं। आज इनका कोई ऑफिस ऑफिस नहीं चलेगा। गाइस, तो अभी मेरी सामान की जो लिस्ट है ग्रोसरी के आइटम की और जो पूजा का सामान लाने वाले हैं उनकी सबकी लिस्ट मेरी तैयार हो गई है। मम्मी अंदर रूम में लेटी हुई थी तो वहाँ जाकर मैंने मम्मी से पूछकर मैंने सारी लिस्ट तैयार कर ली। फिलहाल जितना याद था उतना सामान तो हमने लिख लिया लिस्ट में, और बाकी तो वहाँ पे जब शॉप पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखकर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद आ जाती हैं, हमने घर पे नहीं नोट की होती हैं। तो और बाकी का सामान हम वहाँ पे जाके देख लेंगे कि वहाँ पे और क्या है और क्या हमारी ज़रूरत का हो सकता है। तो देखिए हम लोग सामान लेने के लिए मार्केट आज निकलते हैं या कल निकलते हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है कि हमें मार्केट कब जाना है। आज शाम को भी जा सकते हैं या मे बी अगर कल पॉसिबल हुआ तो हम कल भी जा सकते हैं। सो गाइस, तो अभी सुमित की मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले सुमित को मेडिसिन दे देती हूँ, क्योंकि सुमित की मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं है और वीडियो तो मेरा बनता ही रहेगा। तो सुमित अभी नहाकर फ्रेश होकर आके बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं, तो मैं सुमित को सबसे पहले मॉर्निंग की मेडिसिन दे देती हूँ। और मैंने सुमित को नाश्ता वगैरह सब करा दिया है, तो चलते हैं, चलिए हॉल में चलते हैं मेडिसिन लेके। और गाइस मेडिसिन लेके चलेंगे, सुमित मेडिसिन खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं पूछूँगी कि सुमित मैं कैसी लग रही हूँ और देखती हूँ कि सुमित का ध्यान मेरी तरफ जाता है या नहीं जाता है। सुमित ये लो अपनी मेडिसिन खाओ। सुमित आज मैं कैसी लग
क्या कहा तुमने? काम करने दो। अच्छा, अब तुम्हारा कोई काम होगा ना तब तुमको बताएंगे। देखा गाइस, ये होते हैं पति, अपना काम सारा करवा लेते हैं धीरे से, बोल बोल के बड़े प्यार से। जब हमारी बारी आती है तो काम करने दो, अब मेरी भी बारी आएगी तब मैं इनको बताऊंगी, मजा चखाऊंगी अच्छे से। क्या बात, तुम्हारे इतनी खुश क्यों लग रही है? क्यों खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है क्या? सुबह देख रहा। अच्छा, यानी तुम मुझे सुबह से देख रहे हो। चल, तो आज मैं सुबह से बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता है तुम? आज सुबह अंकित ने बैंक जाने से पहले हम लोगों को बोला था कि आज वो बैंक से जब वापस आएगा ना तो वो हम लोगों को घुमाने के लिए लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग कितने दिन से नहीं गए, तुम्हारे पैर में दिक्कत हो गई थी, जैसे हम लोग जा नहीं पा रहे थे, ना कहीं बाहर जाना हो पा रहा था, ना बाहर खाना पीना हो पा रहा था। सो गाइस, तो आज अंकित ने जाते जाते बोला है कि वो हम लोगों को शाम को जब लौट कर आएगा तो घुमाने के लिए जाएगा, डोसा खिलाएगा और छोले भटूरे खाएंगे, हम लोग बाहर से ही खाना खा के आएंगे। तो बस खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से घूमने को नहीं मिला, कहीं घर से बाहर जाने को नहीं मिला, तो आज फाइनली लग रहा है बाहर घर से निकल के घूमने को मिलेगा, थोड़ी ऐश करने को मिलेगा। तुम चलोगे? सब जाएंगे तो भी जाऊंगा। अंकित कह रहा था तुमको नहीं ले जाएंगे, भैया को नहीं ले जाएंगे क्योंकि भैया को रेस्ट की जरूरत है। मैं दिमाग का टेस्ट किया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत दिमाग है जो बहुत दूर तक जाएगा, अब तुमको भी अपने साथ बहुत दूर तक ले जाएगा। इधर देखो बस देखते जाओ। सो गाइस, तो आजकल मैं रील्स भी बनाती हूँ, तो आप मेरे रील्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर देख सकते हैं और मुझे मेरे फेसबुक पेज संध्या ब्लॉग्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको मेरे फेसबुक शॉर्ट्स मिलेंगे और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वो कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे तो भी बता सकते हैं और अच्छे नहीं लगे तो भी बता सकते हैं, डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा गप्पे शप्पे नहीं मारूँगी, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।